प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है और एक दूसरी जो कि मेजरेबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी क्वांटिटीज से जो कि मेजरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए, आपने एंजॉय किया। कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। कितना? आपके पास कोई पैमाना नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते इसको। कोई पूछ ले कितना एंजॉय किया, आप सिर्फ इतना ही कहेंगे मैंने बहुत एंजॉय किया। आपके पास कोई भी इसको मेजर आप नहीं कर सकते, कोई पैमाना आपके पास नहीं है। इसी तरह आपकी मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं, कितना प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा, मेजर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते आप। ये चीज मैयर नहीं हो सकती। मैंने फ्रेंडशिप की एग्जांपल दी, दो आप अली और उस्मान दोनों फ्रेंड हैं, इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा। कोई भी क्वांटिटी आप इसको मैयर नहीं कर सकते। कोई ऐसा पैमाना आपके पास नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू आप फ्रेंडशिप को मैयर कर सके। दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू आप इंजॉयमेंट को आप मेजर कर सके। दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। योर लव विद योर मोम यू कैन नॉट मेजर, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तमाम चीजें जिनको आप मेजर ही नहीं कर सकते, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? आपके घर का फासला आपके स्कूल से 4 किलोमीटर है, आपने मेजर किया तभी आप बता रहे हैं कितना फासला है। आप बता देते हैं 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप मेजर कर सकते हैं इस लेंथ को। तो लेंथ जो है ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। आप स्कूल जाते हैं, कितनी स्पीड से बाइक चलाते हैं? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाइक चलाते हैं। तो आप अपनी स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो स्पीड आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। आप स्कूल जाते हुए कितना टाइम में स्कूल पहुंचते हैं? 15 मिनट में। आप मेजर कर सकते हैं टाइम को, तो टाइम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते। इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में पहले हम ये देख ले कि दो पार्ट होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। नंबर 1 एक मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड को उर्दू में कहते हैं मिकदार। तो आपके पास लेट्स सपोज एक कोई भी एप्पल का एक बैग पड़ा हुआ है, उसका आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास कितने हैं एप्पल, तो आप बताते हैं मेरे पास 20 किलोग्राम एप्पल हैं। तो मैस किंग एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल है, तो आपने उसको बता दिया कि मेरे पास 20 किलोग्राम एप्पल हैं। तो इसमें 20 क्या है? 20 वो क्वांटिटी है, मिकदार है, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। उसके बाद फिर साथ में यूनिट होता है किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम में जो 20 है आपके पास, ये 20 ये आपके पास मैग्नीट्यूड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड के साथ आपके पास जो किलोग्राम है, ये किलोग्राम हमारे पास ऐसा यूनिट है इसका। इसी तरह अगर हम बात करें 5 मीटर्स डिस्टेंस की बात करें, तो जो 5 मीटर है या 10 मीटर, लेट्स सपोज 10 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, या 5 मीटर डिस्टेंस है, या 6 मीटर डिस्टेंस है, या 2 मीटर डिस्टेंस है, आपके पास ये 10, ये 5, 6, ये 2, ये सब क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, और उसके साथ में यूनिट मीटर मीटर मीटर। तो ये सब जो है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास है उसका यूनिट। इसी तरह अगर हम टाइम की बात कर लेते हैं, 10 सेकंड में 10 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, मिकदार, वक्त की मिकदार, कितना वक्त था? 5, 6, 7, 8, कोई नंबर, ये हमारे पास क्या होगा? ये उसकी मिकदार होगी या मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब उसके साथ यूनिट देखें, अगर मैं खाली ये कहूंगे मुझे ये काम मुकम्मल करने में 5 लगा, तो क्या ये मेरा फिक्रा कोई किसी किस्म की कोई मीनिंगफुल है? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 कह देना कि मुझे ये काम करने में 5 लगा, तो आप इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सके। आपको क्या पता कि मुझे 5 सेकंड लगे हैं, या 5 घंटे लगे हैं, या 5 दिन लगे हैं, या 5 साल लगे हैं? आप उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर मैं खाली ये कह दूं कि मुझे ये काम करने में घंटे लगे, तो कितने घंटे लगे ये तो आपको पता नहीं है,
क्या पता मुझे 1 घंटा लगा हो, क्या पता मुझे 2 घंटे लगे हो, तो ये आप ना ही मैग्नीट्यूड के बगैर क्वांटिटी को बता सकते हैं, ना ही आप यूनिट के बगैर बता सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ ऐसे यूनिट दोनों बहुत जरूरी होते हैं। तो ऐसे यूनिट और मैग्नीट्यूड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये मस्ट हो सकती हैं, इसके बगैर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थी, मैस की है 20 किलोग्राम, मैस मैस क्योंकि मेजरेबल है 20 किलोग्राम, तो ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, आप मेजर कर सकते हैं कि आपको काम करते हुए कितना वक्त हो गया है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आप मेजरेबल कर, मेजरेबल है टाइम। तो हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल होगी उसको तो हम कहेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी दो टाइप्स भी हैं, आगे उन टाइप्स को हम देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में हम पढ़ेंगे बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं हमारे पास? बेस क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स की बुनियाद बनाती हैं, फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिक्स। तो इनमें हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाती है? लेंथ आ जाता है, मैं दो तीन एग्जांपल आपको बता देता हूं, मैस आ जाता है, हमारे पास टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाती है, इस तरह और भी हैं। टोटल ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज, जो कि फिजिक्स की पूरे यूं समझ लें कि ये अल्फाबेट, जिस तरह एबीसी है, एबीसी से स्पेलिंग बनते हैं, ऐसे ही जो फिजिक्स की एबीसी है इसमें वो हमारे पास ये बेसिकली ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स की बेस बनाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। अब उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है वो है ड्राइव क्वांटिटीज की। तो ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। लेट सपोज वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखा जाए लेंथ विड्थ या हाइट ये हैं तो तीनों लेंथ ही ना, तो ये भी लेंथ है जिसका यूनिट मीटर होता है, ये भी लेंथ है जिसका यूनिट मीटर होता है, ये भी एक लेंथ ही है जिसका यूनिट मीटर होता है। तो अब ये जो हमारे पास लेंथ है वो एक बेसिक क्वांटिटी है, उसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम बनता है। अब इस बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आपने वॉल्यूम बनाया, तो वॉल्यूम बेसिकली एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हमने बेस क्वांटिटी से बनाया। कौन सी बेस क्वांटिटी से बनाया? वो बेस क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? एक बेसिकली एक लेंथ होती है, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी। नीचे क्या है? टाइम, टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो अब इन दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके हमने वेलोसिटी बना ली। वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस ओवर टाइम मीटर्स पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो देखिए ये दो बेस क्वांटिटीज थी जिनको हमने डिवाइड किया और उससे हमें एक ड्राइव क्वांटिटी मिली। हम इसको ड्राइव क्वांटिटी कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से डराइव की जाती हैं, उनसे बनाई जाती हैं। आप बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, जो नई आपके पास क्वांटिटीज आएंगी वो आपके पास कहलाएंगी डराइव क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज का डिफरेंस आपको मालूम हो गया। वो 7 बेस क्वांटिटीज जिनके बारे में हमने बात की कि हमारे ये बेसिक या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हैं, वो है कौन जी, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट मीटर है। नंबर 2 पे मास, यूनिट किलोग्राम। टाइम, यूनिट इसका सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट एम्पेयर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट है कैंडेला। और टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन। इसी तरह हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल।